सर हम एक संस्था है जो उनके चौहान खान की संस्था है, वो भी दो दिन जो पहले मूक आंदोलन हुआ था उसके बारे में उन्होंने भी बढ़ चढ़ के हफीज साहब के साथ हिस्सा लिया था, तो उनसे बारे में पूछते हैं कि इसके बारे में आगे की इनकी रणनीति किस कदर आगे रहेगी और क्या प्लानिंग रहेगी उसके साथ में। सर स्वागत है खबरें आज मीडिया में। सर आपका क्या ये लाइट बिल के लेकर क्या मुद्दा रहेगा? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, जैसा आपने दो दिन पहले हमारी बातों को जनता तक के रखी थी वैसे ही आज भी आप आए हैं हमारी बातों को जनता तक पहुंचाने के लिए। मैं और मेरी पूरी टीम आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रगुजार है। और दूसरी बात बताना चाहूँगा कि जैसा पहले दो दिन पहले जो प्रोग्राम रखा गया था हाजी हफीज खान के ज़रिए, उसमें हमने हिस्सा लिया था और ऐसे ही हिस्सा हम मरते दम तक रखेंगे, क्योंकि ये प्रॉब्लम जैसा हफीज भैया ने बताया ये उनका पर्सनली मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा गोवंडी की आवाम का है। क्योंकि परेशान सिर्फ स्लम एरिया में आवाम होती है, जिनके पास पैसा है उनको किसी चीज़ की कमी नहीं है। आवाम तो यहाँ तक अपनी परेशानी लोगों तक के नहीं पहुँचाती है, क्योंकि वो आप भी जानते हैं कि 5 किलो चावल 1 किलो चने में वो खुश नहीं होगी और ना ही 500 रुपये अकाउंट आने में खुश होगी। उनको चाहिए कि उनके घर का पूरा खर्चा मिले, उनको चाहिए कि उनके बच्चों की फ़ीस माफ़ हो, उनको चाहिए कि उनके इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है वो माफ़ हो। ऐसे तो बहुत से लोगों ने बोला है कि 5 महीनों में 6 महीनों में किस्तों के हिसाब से वो बिल को जो है भर सकते हैं, लेकिन जो इस मतलब अभी 5-6 महीने में जो लोग घर बैठे हैं उनका कारोबार तो एकदम ठप हो चुका है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्योंकि गरीबों के पास तो कोई LIC पॉलिसी भी तो नहीं होती है ना कि वो उसमें से पैसा निकाल कर अपना जो है स्कूल की फ़ीस और लाइट बिल भरे। तो हमारे लोगों का, हफीज़ खान साहब का, हमारे इमरान मलिक साहब का, हमारी फाउंडेशन है ह्यूमन एंड वेलफेयर फाउंडेशन का, फाउंडेशन की टीम का यही मकसद है कि लोगों तक ये मदद पहुँचे ना। 500 रुपये खाते में आने से घर चलेगा और ना ही 5 किलो चावल से घर चलेगा। इसके बारे में सर आगे की रणनीति क्या रहेगी? आगे की रणनीति यही है कि जैसा कि हफीज़ खान साहब ने बोला है कि आगे हम इससे भी ऊँचा प्रदर्शन करेंगे, शांतिपूर्वक करेंगे और सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखेंगे, कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिसमें वो काम गैर कानूनी है, हम सारे काम कानून के अंदर रखे करेंगे। और हमारी आवाज़ जो जैसा हफीज़ खान साहब ने बोला ना कि ये सरकार बैरी है, वाकई में बैरी और अंधी है। हम इतना शोर करेंगे कि वो उनके कान के पर्दे फाड़ेंगे, हम इतना प्रदर्शन करेंगे कि उनको दूर दूर तक के दिखाई देने लगेगा, और हमारी सबकी यही ख्वाहिश। तो सर इनकी यही ख्वाहिश है कि आवाज़ जनता जो उसकी आवाज़ है सरकार तक पहुंच सके। हम बात करते हैं रणनीति रहेगी आगे की, स्टार्ट क्या रणनीति रहेगी इस बारे में? आप हमारी अपील है सरकार से, पहले भी दो दिन पहले ये प्रदर्शन हुआ था आज इस काम के माध्यम से, और ये जो न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं सरकार से एक अपील करता हूँ, हम लोगों की यहाँ पर सुनवाई करें और जो लाइट की बिल है और जो स्कूल की फीस है उसको माफ़ करो। और मंगता तो एक महीना नहीं, 2 महीना हम लोग घर में लॉकडाउन में रह सकते हैं, लेकिन सरकार भी कुछ हम लोग का ख्याल रखे, सरकार भी कुछ हम लोग के ऊपर ध्यान रखो, यहाँ की जो जनता है उन लोग के ऊपर ध्यान रखो, बस मेरा यही कहना है। बस देखिए सबका ये कहना है कि सब सरकार सबका ध्यान रखे और स्कूल जो स्कूल और फीस और लाइट बिल के बारे में जो चर्चा या जवाब उठ नहीं रही है उठने के बाद सरकार ध्यान में रखे। और एक और साथी हैं हमारे, उनके साथी हम बात करेंगे। सर आपकी क्या राय है इसके बारे में? मेरी ये राय है कि जो हम लोग ने एक प्रोग्राम का एक आगाज़ किया है, लोगों के बीच में लोकली जुड़ने का लोगों को मौका दिया है, क्योंकि लोग अगर हम लोग के साथ जुड़ेंगे तभी हम लोग की एक ताकत बनेगी और सरकार तक का हम लोग एक आवाज़ पहुँचा पाएंगे, क्योंकि ये पूरी आवाम का प्रॉब्लम है। और मैं साथ ही में हमारे जो MLA साहब हैं हमारे गवर्नी के, उनसे भी ये गुजारिश करता हूँ कि उनको एक सजेशन मेरी तरफ से ये है कि वो एक गवंडी के MLA और यहाँ से उनको 82,000 से भी ज़्यादा लोगों ने उनको चुन के मंत्रालय तक का पहुँचाया है, तो उनका ये उनके ऊपर एक ये मतलब एक जिम्मेदारी है कि वो गवंडी के लिए क्या सोच रहे हैं अभी तक का वो क्लियर करे। और गवंडी के आवाम के लिए इतनी सारी प्राइवेट स्कूल है, बड़ी बड़ी गवंडी के अंदर बड़ी बड़ी स्कूल है, अगर आप स्कूल के प्रिंसिपल या स्कूल के सुप्रीमो के साथ बैठ के एक बैठक करते हैं कि यहाँ गवंडी के बच्चों के लिए फीस के लिए कुछ ऐसा सलूशन बनाते हैं कि आप राय दो कि हम लोग क्या कर सकते हैं, माफ़ कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, ऐसा कुछ बातचीत हो सकती है। तो मैं जनाब अबू आसिम साहब से ये चाहता हूँ कि वो बड़ी बड़ी जो प्राइवेट स्कूलें हैं उनके साथ बैठ के गवंडी में बातचीत करें कि कैसे वो अपनी उनकी जो आवाम है, जो आवाम को कैसा वो सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं स्कूल के लिए फ़ीस के लिए,
ये सब सारी चीज़, क्योंकि वो एक MLA रिप्रेजेंट करते हैं गवंडी को इतनी बड़ी जगह जाकर, और काफ़ी लोगों से उम्मीद रहती है, लोग उनसे उम्मीद रखते हैं कि वो गवंडी के लिए कुछ करे। तो मेरी उनसे राय है कि हम लोग सरकार से तो बातचीत चल रही है, सरकार से हम लोग आवाज़ भी उठा रहे, मोर्चे भी निकाल रहे हैं, मगर मेरी जनाब अबू आसिफ साहब से भी ये इल्तिजा है कि वो गवंडी पे ध्यान दे, और गवंडी की आवाम उनसे अब वो चाहती है गवंडी की आवाम की, अब आप इतने सारे मुद्दे हैं गवंडी में, मैं सब मुद्दों पे बात नहीं करूँगा। आज आदमी भूखा है आसिफ साहब, आज आदमी भूखा है और आदमी आज परेशान है, तो आप उनको खाना खिला दिए, आप उनकी परेशानी में इतना काम आ गए, तो और एक काम कर दीजिए, गवंडी में जितने भी बड़ी बड़ी प्राइवेट स्कूल है उनके प्रिंसिपल या सुप्रीमो से आप बैठ के, आप अगर चाहेंगे तो बहुत कुछ हो सकता है, और गवंडी में बहुत सारी चीज़ें लोगों को मिल सकती है, और बस इतना ही है कि वो आए गवंडी में एक विजिट करें, लोगों के बीच में जाए, NGO से मिले, लोगों से राय मशवरा करें, और स्कूल से भी राय मशवरा करके हल निकाले, क्योंकि गवंडी के बच्चे गवंडी में ही स्कूल पढ़ते, कहीं बाहर स्कूल नहीं पढ़ते, तो हम लोग चाहते हैं कि कम से कम गवंडी इस मुसीबत से बचे। अब मेरा ऐसा मानना है कि पहले हम लोग अपना घर देखेंगे, और गवंडी हमारा घर है, और हम लोग चाहते हैं कि पहले गवंडी इस मुसीबत से बाहर निकले, और ये अगर अबू आसिम साहब अगर साथ में हमारे हाफिज़ खान साहब के साथ एक मुहिम में जुड़ते हैं तो बहुत ही एक बहुत बड़ा मूवमेंट हो जाएगा एक गवंडी के लिए, और सबको घुटने टेकने पड़ेंगे इंशाल्लाह, चाहे वो स्कूल हो या अडानी की लाइट बिल की जो भी कंपनीज हो, सबको घुटने टेकने पड़ेंगे, क्योंकि अगर हाफिज़ खान साहब इतना बड़ा महा एक मोर्चा तैयार कर सकते हैं, तो आसिम साहब और कुछ भी कर सकते हैं, तो दोनों अगर मिलते हैं, आप चर्चा होती है, बातचीत होती है, तो एक सलूशन निकलेगा, और गवंडी की आवाम को बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी मिलेगी, क्योंकि गवंडी की आवाम के लिए ही करना है, क्योंकि हम लोग सब गवंडी के खादिम लोग हैं, तो इंशाल्लाह जो भी बनेगा गवंडी के लिए करेंगे, बस इतना ही। देखिए, इनका कहना है कि जो भी बन सकेगा गवंडी की जनता के लिए करेंगे, यही आवाज़ हमेशा चलती रहेगी, देखते रहिए खबरें आएंगी।